आप देखते होंगे हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। आप सबको भी मिला है ना? मिला है ना? जो अच्छा मजा देखिए, जो जेल में है उसके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हम सबके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब देश को आवश्यकता उसमें बदलाव करने की है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय हम एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? और क्या आप जैसे नौजवान एक ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? और मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, इन सबको मिलाकर के एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है। और माँ बाप बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी आदतों के संबंध में उसके अंदर डिटेल भरते चले और सॉफ्टवेयर एनालिसिस करें और बताएं कि ये बच्चा आपका इस प्रकार का बिहेवियर करता है, मतलब ये इसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी पड़ी है, इनहेरेंट टैलेंट पड़ी है, माँ बाप को गाइड करता चले। अगर ऐसी कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं जैसा जिस विषय को आप अभी कर रहे हैं उसका एक नया और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, और हर आज देखा होगा आपने 12th के एग्जाम के बाद बहुत परिवार काउंसलिंग के जा लिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा देते हैं और 3 दिन 4 दिन काउंसलिंग चलता है और फिर वो काउंसलर जो होता है वो बताता है कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने के लिए योग्य है, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए योग्य है, वो कोई ये नहीं बताता है कि वो माली बनने के लिए भी योग्य है, ये एग्रीकल्चर में कुछ को नहीं बता रही क्योंकि वो एक लिमिटेड उनका है दायरा। लेकिन पहले से ही अगर 12-15 साल तक लगातार मैपिंग चले और उसके लिए कोई पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो हम बहुत बड़ी सेवा हमारे खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो काम आपको मिला है जिसके लिए आप सॉल्यूशन अभी देने वाले हैं, लेकिन उसका एक बड़ा स्केल बना करके भी आप इस पर काम कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हमारी युवा पीढ़ी की हो सकती है, उसको अपना रास्ता तय करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई तुम छोड़ो आर्किटेक्चर बनने के बजाय लेकिन तुम अच्छे पेंटर बनो, तुम बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और मैं मानता हूं वो पेंटर बनकर के जिंदगी बहुत बढ़िया जी सकता है। तो ये हम एप्टीट्यूड की तरफ कैसे करें, और मैं समझता हूँ इसका बड़ा स्केल बना करके भी आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन आपने जितना बताया मैं उसका स्वागत करता हूँ और अच्छी दिशा में आप लोग सोच रहे हैं।